हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी A51 एंड सैमसंग गैलेक्सी A71 के बारे में। यहां पर आप सभी को मालूम होगा सैमसंग एंड्रॉयड 10 बेस One UI 2.5 लेकर का आया, जहां पर हमें काफ़ी कूल कूल नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड यहां पर जो सैमसंग का गैलेक्सी A51 एंड सैमसंग का A71 है, वो पहले ऑफिशियली कंफर्म हो चुके थे एंड्रॉयड 10 बेस One UI 2.5 अपडेट के लिए। बट यहां पर रिसेंटली थोड़ी सी नहीं कहूँगा, डिपेंड करता है आपको कितना ज़्यादा बुरा होगा, उतनी बुरी बैड न्यूज़ है। जिस बिकॉज यहाँ पर जो सैमसंग का A51 है और A71 है, ये अब लिस्ट में से रिमूव कर दिए गए हैं, जहाँ पर कि इनको मेंशन किया हुआ था पहले कि सैमसंग की ए सीरीज़ में से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 स्मार्टफोन्स कन्फर्म हुए थे, जो कि थे सैमसंग A51, सैमसंग A71 एंड इनके 5G वेरियंट, जो कि A51 5G है एंड A71 5G। ये 4 स्मार्टफोन्स थे जो ऑफिशियली कन्फर्म हुए थे One UI 2.5 के लिए। नाउ इनको रिसेंटली लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया है। एंड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली है कि सैमसंग अपने इन चारों ही स्मार्टफोन्स को One UI 2.5 का अपडेट नहीं देने वाला है। हालांकि पहले सैमसंग ने प्लान किया था कि सैमसंग इन चारों ही स्मार्टफोन्स के लिए One UI 2.5 का जो अपडेट है वो रोल आउट करेगा, बट नाउ अब इनको लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया है। एंड ये बताया जा रहा है कि इन स्मार्टफोन्स को डायरेक्ट एंड्रॉयड 11 के साथ में One UI 2.5 के जो फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे, जहाँ पर कि हमें One UI 3 देखने को मिलेगा। एंड सैमसंग वहाँ पर काफ़ी सारे मेजर UI चेंजेस भी करने वाला है, तो ये तो अच्छी बात है। बट स्टिल यहाँ पर अगर One UI 2.5 भी मिलता है तो हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हमें सैमसंग के दोनों स्मार्टफोन्स एक्चुअली में चारों स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाता, बट यहाँ पर कुछ इस तरीके से नहीं हो रहा है। एंड हालांकि यहाँ पर जो सैमसंग के पुराने से पुराने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं वहाँ पर उनको प्लान किया गया है, इनको रिमूव करके उनको ऐड कर दिया गया है। जो कंप्लीट लिस्ट है वो मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। मैं भी जो शाम की वीडियो होगी, यानी कि इसके बाद की जो वीडियो होगी ना, वो वही वाली होगी जो One UI 2.5 की जो अपडेट लिस्ट है, तो मैं उसको डाल दूँगा जल्दी से जल्दी, रिकॉर्ड करके एडिट करके जो भी होगा। एंड फिलहाल के लिए यही थी न्यूज़ कि सैमसंग का जो गैलेक्सी A51 एंड A71 है उनको रिमूव कर देगा लिस्ट में। एंड सैमसंग ने कुछ स्मार्टफोन्स के नाम ऐड भी करे हैं लिस्ट में, तो ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, इसके बाद में आपको वही वीडियो देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि जो सैमसंग का गैलेक्सी A51 और A71 है, इनको भले ही One UI 2.5 का अपडेट नहीं मिल रहा है, यानी कि मेजर UI चेंज वाला, ये जो UI चेंज वाला अपडेट है ये नहीं मिल रहे हैं, बट यहाँ पर इनको जो मेजर OS अपडेट्स हैं ना, वो 3 देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स हमें यहाँ पर एंड्रॉयड 13 तक के मेजर OS अपडेट देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये ऑफिशियली आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 पर मिल रहा है। तो मेजर OS के मामले में ये ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू जो हमें UI चेंज का अपडेट मिल रहे हैं। तो मैं प्रीफर करूँगा कि मेजर OS ही मिले, बिकॉज उस टाइम पर हमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और लेटेस्ट UI वर्जन भी मिलता है, तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली मैं आपको इसके रिगार्डिंग अपने चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखो, नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कर रखो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।